जी अगर खड़े होते हैं तो मुख्यमंत्री पद पे है तो फिर बीजेपी की सरकार बनना उम्मीद है, नहीं तो शिवराज सिंह चौहान जी की जगह उन्हें कहाँ से खड़ा किया जाएगा? शिवराज सिंह चौहान की जगह थोड़ी नहीं उन्हें दी जाएगी इस ज्योतिरादित्य सिंधिया को? देखो नहीं जाएगी तो फिर नीचे मोदी उल्टे के रंगे मोदी कहेंगे फिर क्या होगा? माहौल बहुत खराब है, खराब है, परिवर्तन होना चाहिए। हाँ परिवर्तन तो होनी चाहिए, महंगाई तो जाना ही है, महंगाई जाना है। डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती हैं बसेरा, ये भारत देश मेरा ज्यादा है। हाँ क्योंकि जब पहले पहले क्या था, क्या 40 रुपए किलो तेल था, अब 120 रुपए 40। शिवराज सिंह चौहान जी कई सारे वादे कर रहे हैं, बेकार वादे, लाडली योजना की बात करें, अरे गरीब साहब भटक रहे हैं, पैसे वाले वहाँ सरकारी मल्टियों में रह रहे हैं, देख लो या चक्कर लो, अधिकारियों के मंजून बना दिए उन्होंने लोग। लाडली योजना कह रहे हैं कि लाडली योजना है जो महिलाओं को रुपए देंगे, वो तो छीन भी लेंगे, वो बहना योजना बोल रहा हूँ, लाडली योजना अलग है, बहना योजना वो देखते रहो सिलेंडर आदमी खालेगा, आदमी 1250 रुपये का ही आ रहा सिलेंडर। भारत देश मेरा बहुत ज्यादा, मतलब जैसे अगर ये बात की है सिलेंडर की बात की है, सिलेंडर सिलेंडर पहले सस्ता था, अब तो 1200-1500 का ही हो गया, यही मान लो। ओ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, ये भारत देश मेरा। क्या नाम है आपका? कालू भारती, मैं मारवाड़ टेलर का काम करता था, एक्सीडेंट हो गया मैं कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब आपका रोजगार का क्या काम करते हो? रोजगार जो मिल जाए मजदूरी वही करते, मजदूरी वगैरह करते हो, और गाने भी गाता हूँ। गाने भी गाते हो? कौन सा गाना? गाना सुनाओ पहले आप। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, ये भारत देश मेरा, भारत देश मेरा। ओ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, ये भारत देश मेरा। ओ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सबको अमृत पिलवाए, ऐ सबको पानी पिलाए, और सत धर्म का कुल में भारती यही लगेगा मेला, ये भारत देश मेरा। दो कड़ियों ओ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, ये भारत देश। यही एक और एक और। ओ झांसी वाली रानी मैया खूब लड़ी मर्दानी, ओ रानी महारानी। बहुत अच्छा गाया आपने। अच्छा आप बात बताइए कि जो चुनाव आने वाले हैं उसमें कुछ बदलाव होगा? आपने गाना बहुत अच्छा गाया लेकिन चुनाव के बारे में पूरा सुना ही नहीं तुमने। सुना, हमने सुन लिया, पूरा सुन लिया। आपने अच्छा गाना गाया, बदलाव होना चाहिए था। अच्छा अच्छा, देखो अपन गरीब आदमी है, महंगाई जो भी कम करेगा सब मजदूर आदमी के लिए पूरा होना चाहिए, होना चाहिए, उसी के लिए पूरा सहयोग है। अच्छा अच्छा, पूरा पूरा सहयोग। अच्छा अच्छा जी, तो आपको लग रहा है कि जो महंगाई वाली बात कही दादा ने पीछे कि महंगाई बढ़ रही है, तो ये सारी चीज़ें फ़र्क डालेंगी चुनाव में? डालेंगी सर, डालेंगी डालेंगी। चेंज चाह रहे हो आप, है ना? आपका नाम क्या है दादा? दर्शन लाल। जसन लाल? हाँ दर्शन लाल। क्या क्या काम करते हैं आप? मजदूरी। मजदूरी करते हैं, तो कैसा चल रहा है अभी मजदूरी का काम? अभी तो साहब कुछ नहीं चल रहा, बैठे हैं अभी तो। बैठे हो? क्या किस तरीके की मजदूरी करते थे आप? मतलब जो भी मिल जाए, जो भी मिल जाए। अच्छा कुछ करते। अच्छा, तो ये जो सरकार जैसे रहती है उसका कुछ फ़र्क पड़ता है? जैसे सरकार चेंज होती है, कुछ होती है, आपको कुछ सुविधा मिलती है? अभी तो साहब हमें तो कोई सुविधा नहीं दी अभी तक सरकार ने। लाडली योजना जो चल रही है, तो आपके घर वालों को किसी को मिल रहा है रुपये वगैरह? हाँ बहू को मिल जाए 1000 रुपये आज, अभी एक एक किस्त है। अच्छा ये किस्त। हाँ अच्छा, जैसे जो चुनाव आने वाले हैं, हाँ तो कई सारी चर्चाएं हैं, कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई तो जाना ही है, हैं? महंगाई जाना है, ज़्यादा है। हाँ क्योंकि जब पहले पहले क्या था, क्या 40 रुपये किलो तेल था, अब 120 रुपये 40-150 रुपये बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे अगर ये बात की है सिलेंडर की बात की है, सिलेंडर हाँ सिलेंडर पहले सस्ता था, अब तो 1200-1500 का ही हो गया, यही मान लो। हाँ तो आपको लग रहा है ये जो मुद्दे हैं चुनाव में फ़र्क डालेंगे? डलेगा क्यों नहीं डलेगा, बीजेपी की सरकार बदल सकती है, कांग्रेस क्या सकती है? देखो क्या है कि बीजेपी ने तो परेशान कर ही लिए, अब हो सकता है कि आगे चल के ना बदल भी सकते हैं। जैसे कांग्रेस की सरकार तो आई थी
कांग्रेस की सरकार पहले सिंधिया जी चले गए बीजेपी में, हाँ उसकी वजह से माहौल बदल गया, बिगड़ गया वो तो पूरा। तो आपको लग रहा है इस बार फिर से होगा चेंज? हो सकता है। अच्छा, हो सकता है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंकर लाल कुशवाहा। आप काम प्रॉपर ग्वालियर के रहने वाले हैं? जी। क्या काम करते हैं सर आप? मैं मकान बनाता हूँ। मकान मिस्त्री हैं आप? अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है जो आने वाले चुनाव हैं, अगर मध्य प्रदेश विधानसभा की बात की जाए तो क्या माहौल रहने वाला है इसमें? अभी तो माहौल बहुत ख़राब चल रहा है भैया, अब आगे कोई पता नहीं है अच्छा आएगा अभी कि नहीं आएगा। अच्छा, कैसा कैसा ख़राब चल रहा है थोड़ा बताएंगे? महंगाई ज़्यादा हो रही है। अच्छा, धंधा नहीं है, ये काम धंधा नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, चल सब परेशानी। क्या नाम है आपका? पवन सिंह कुशवाहा। आपका काम क्या है? चाय का होटल लगा रहा हूँ। दुकान है आपकी? हाँ। तो आपको लगा रहा हूँ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कैसा माहौल है? माहौल बहुत खराब है। खराब है, परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, परिवर्तन तो होने चाहिए। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान जी कई सारे वादे कर रहे हैं, लाडली बेकार वादे, लाडली योजना की बात कर रहे हैं। अरे गरीब साहब भटक रहे हैं, पैसे वाले वहाँ सरकारी मल्टियों में रह रहे हैं। अच्छा। देख लो या चक्कर लो। अच्छा। अधिकारियों के मंजून बना दिए उन लोग लाडली योजना, कह रहे हैं कि लाडली योजना है जो महिलाओं को रुपए देंगे, वो तो छीन भी लेंगे। वो बहना योजना बोल रहा हूँ, लाडली योजना लगा है, बहना योजना वो देखते रहो। सिलेंडर आदमी खालेगा, आदमी 1250 रुपये का जा रहा है सिलेंडर। अच्छा, 100 रुपये कमा नहीं पाता आदमी दिन भर में मजदूरी में। महंगाई कितनी हो गई है, खाने को रोटी नहीं है आदमी को। अच्छा, आपने चाय की दुकान से आपको सिलेंडर की जरूरत पड़ती होगी? हाँ, देख लो तुम, 580 रुपये लेके आना पड़ता है मुझे सिलेंडर भरवा के। आधा 1 किलो 20 रुपये, 120 रुपये किलो की हिसाब से क्या चाहिए? आज तो मौसम भी डाउन है थोड़ा सा है। नहीं, धंधा चल ही नहीं रहा, कहीं भी बाजार नहीं है, बाजार नहीं बिल्कुल। अच्छा, और बताइए दादा, जैसे प्रियंका कांग्रेस की अगर बात की जाए, संभावना लग रही है कांग्रेस की आपको? अभी पूछेंगे, आ सकती है, आ सकती है। प्रियंका गांधी की रैली हुई थी, आपने कुछ उनके भाषण वगैरह सुने होंगे, तो कई सारे आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाए, शिवराज सिंह चौहान पर लगाए थे। बीजेपी पे ये कहा कि कई सालों से सरकार है और इन्होंने कई भ्रष्टाचार किए है। लगाए थे ना, तो आपको लग रहा है कुछ सच्चाई है उनके बातों में? कुछ सच्चाई नहीं दिख रही है। नहीं नहीं, प्रियंका गांधी ने कुछ बातें कही बीजेपी के लिए, सच्चाई तो खैर दिख रही है। क्या कह रहे भाई? नहीं, भ्रष्टाचारी हो रही होगी तभी तो आदमी भोग रहा है। सरकारी मकानों में भ्रष्टाचारी हो रही है ना, गरीबों को मकान नहीं मिले। हाँ। गरीब तो महंगे महंगे किराए से रह रहा है। अच्छा अच्छा, भ्रष्टाचारी एक तरफा, तो मतलब वहाँ रह रहे हैं नेता को लड़के रख रहे हैं, ऐसी चल रही है वोटियों पर उनमें। नहीं तो ये जैसे शिवराज सिंह चौहान जी जो बातें कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कई सारी अब योजना और बता रहे हैं कि महिलाओं को बता रहे हैं? वो गरीबों को तो मिलती नहीं है, पैसे वालों लोन की योजना वो पैसे वालों को मिल रही है। हाँ। गरीबों को कहाँ मिल रही है? अच्छा, कारें कितनी कारें हो गई ग्वालियर में, कभी कार इतनी देखी थी? अच्छा, कारें बढ़ गई हैं, कारें बढ़ गई, आदमी धंधी खत्म हो गया, गरीब आदमी कहाँ है? अच्छा, बात की है 2000 वाला आदमी मैं ये कर रहा है, गरीब आदमी तो वहीं में डला है। अच्छा अच्छा, आपको जैसे पता है कि इस चुनाव के बाद 2024 का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, प्रधानमंत्री वाला चुनाव, मोदी है मोदी तो काम कर ही रहा है ना, लेकिन जहाँ के लोग और नेता है ना वो भ्रष्ट बैठे हैं। अच्छा अच्छा, लोकल है, पैसा योजना है वो तो जनता पर आता कहाँ है। ऊपर से आके मतलब वहाँ से रुपये चला आके चबलनी भी नहीं पड़ती जनता के हाथ में, तो अच्छा यही हो रहा है। अच्छा, पहली सरकारों में यही हुआ था, अभी सरकारों में यही हो रहा है, तो नाराजगी है लोगों में? नाराजगी क्यों नहीं है, आदमी पास दाना पानी नहीं है, नाराजगी नहीं होगी? आपका नाम क्या था? धीरज कुशवाहा। तो आपको क्या लग रहा है ये बात, ये लोग बातें कह रहे हैं, थोड़ी बहुत सच्चाई है? हाँ जी, बस सच्चाई है, सच बात है, धंधे चलने पाई चल नहीं रहे और कांग्रेस वैसे आएगी जहाँ तक है एमपी में, कमलनाथ जी दोबारा बन सकते हैं? हाँ, कमलनाथ। यहाँ पे सिंधिया जी का माहौल काफ़ी, उनका जो महाराज जी कहा जाता है, सिंधिया जी यदि मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं ना, तो भले ही कांग्रेस जो किया है, वैसे कांग्रेस का ना आएगी कांग्रेस। हाँ, सिंधिया जी तो कांग्रेस को धोखा लेके चले गए, लोग ये कहते हैं। वो तो धोखा देकर चले गए हैं, परंतु यदि मुख्यमंत्री के दावेदार बीजेपी से होंगे ना, तो कमलनाथ मुश्किल है जीत जाए, और फिर तो ज्योतिरा सिंधिया ही जीतेंगे, और यदि ये नहीं रहे, बीजेपी आएगी फिर से, हाँ फिर बीजेपी आ सकती है, और यदि ये नहीं खड़े होंगे ना ज्योतिरा सिंधिया, तो कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या कह रहे थे आप, ज्योतिराज सिंधिया जी अगर खड़े होते हैं तो मुख्यमंत्री पद पर, तो फिर बीजेपी की सरकार बनना उम्मीद है, नहीं तो वैसे शिवराज सिंह चौहान जी की जगह उन्हें कहाँ से खड़ा किया जाएगा? शिवराज सिंह चौहान की जगह थोड़े नहीं उन्हें दी जाएगी इस ज्योतिरादित्य सिंधिया को? देखो नहीं जाएगी तो फिर नीचे मोदी उल्टे के रंगे मोदी कहेंगे फिर क्या होगा? वो केंद्रीय मंत्री है, वो तो भाजपा में ऑलरेडी है ही, भाजपा चुनाव लड़ेंगे ना, चुनाव में वो तो है केंद्रीय मंत्री, चुनाव
सांसद के चुनाव लड़े या इसके चुनाव लड़े गुना से सुनने में तो आ रहा है गुना सिंह 2024 वाला बता रहे हो। देखो जो भी है अगर मुख्यमंत्री बनाना तो सिंधिया से बढ़िया मुख्यमंत्री एमपी को कोई मिल नहीं सकता। अच्छा, बाकी तो सब भ्रष्ट है। तुमने आप चाहते क्या हो मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या हो? तो पहली राय आदमी बेचारा वो किसी को खाएगा नोच के नहीं। अगर मध्य प्रदेश के चुनाव की बात की है कांग्रेस की, कांग्रेस को चाह रहे हो आप? नहीं हम नहीं चाह रहे कांग्रेस को। तो आप परेशान तो बीजेपी से? नहीं बीजेपी से परेशान है लेकिन जो काम तो अच्छा कर रहे हैं मोदी के लिए ऐसे ही बनी है बीजेपी की। अच्छा नहीं ये अभी विधानसभा वाले इलेक्शन विधानसभा में कोई नई पार्टी आया बीजेपी से तो उभर गए। तो नई पार्टी कौन, आम आदमी पार्टी या फिर आया हम? अच्छी बात है वो दिल्ली में अच्छी काम कर रही है। अच्छा अच्छा तो कांग्रेस नहीं चाह रहे हो? कांग्रेस ने तो 70 साल से देश को लूटा है। नहीं मध्य प्रदेश में नहीं। अच्छा कांग्रेस तो चाहिए नहीं। चलो तो आपने देखा कहीं ना कहीं कई सारे मत हैं लोगों का, ये भी कहना है कि बीजेपी से परेशान है, वो ये भी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को नहीं चाहते, कोई नई पार्टी आए, इस तरीके की बातें कर रहे हैं।